सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 103। ये दाऊद का भजन है और इसका शीर्षक है परमेश्वर का प्रेम। और इसको उर्दू में जो टाइटल है वो इस प्रकार से लिखा गया है, खुदा की मोहब्बत। तो आइए शुरू करते हैं दाऊद का एक और भजन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आज आप जिस भी पोजीशन में हैं, जिस भी हालात में हैं, जहां पर भी हैं, आपके पास जो भी कुछ है, फटे कपड़े हैं या अच्छे कपड़े हैं, या कहीं पर भी आप हैं, परमेश्वर को धन्य कहें। परमेश्वर को धन्यवाद कहना मतलब परमेश्वर का धन्यवाद करना है आपने। और हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। यहाँ पर हम अपने आप को कहते हैं कि मेरे मन, मेरा जो शरीर है, इस शरीर के जो मेरा हिस्सा मन है, उसको मैं कहता हूँ कि तू परमेश्वर को धन्य कहे। दूसरी आयत कहती है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। एक बार फिर से कहा गया है, परमेश्वर को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। साथ के साथ उसके किसी भी उपकार जो है परमेश्वर ने हमारे ऊपर की, उसको नहीं भूलना है। बहुत सारे जो हम देखते हैं हमारे जीवनों के अंदर, नए नए चमत्कार है, उपकार है, वो करता है, लेकिन हम थोड़े से दिन बाद उस समस्या से निकलकर भूल जाते हैं। और तीसरी आयत कहती है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। हमारे जितने भी हम बुरे काम करते हैं, उन सबको क्षमा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। और तेरे सब रोगों को भी चंगा वही करता है। और चौथी आयत में लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हमारे प्राणों को नष्ट होने से कौन बचाता है? परमेश्वर बचाता है। शैतान तो प्रतिपल कोशिश करता है कि वो हमारा नाश कर दे, सर्वनाश कर दे, लेकिन तू बार बार हमारे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हमें जो जो नई नई वस्तु चाहिए या जो जो चाहिए, वो सब कुछ हमें देने वाला परमेश्वर है। और हमें जो अच्छा लगता है, वो सब कुछ परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हमें मुहैया कराता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यदि हमारी इच्छाएं पूरी न हो तो हम उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और हमारे जो दिन है वो धुएं के समान उड़ने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उकाब, उकाब एक बहुत ही तेज तर्रार और फुर्तीला पक्षी है, और उस वो जिस प्रकार एकदम से एक्टिव रहता है, हमारा जीवन भी परमेश्वर चाहता है कि ऐसे ही एक्टिव रहे। छठी आयत में लिखा है, यहोवा सब पिसुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। जो भी दबी कुचले लोग है या अपने आप को जिन्होंने ये समझ लिया कि हम तुच्छ है, संसार ने जिनको साइड लाइन कर दिया है और जिनको कह दिया कि नहीं तुम किसी काम के नहीं, तुम समाज के ऊपर बोझ है, ऐसे लोगों का भी परमेश्वर है वो धर्म से न्याय करता है। और साथ में आयत कहती है, उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। मूसा को परमेश्वर ने आमने सामने दर्शन देकर अपनी गति अर्थात अपनी पावर, अपने काम है वो दिखाए हैं। कितना बलशाली शक्तिशाली है, ये बातें मूसा भली बात जानता है। और इजरायलियों के ऊपर इतने सारे काम परमेश्वर ने प्रकट किए कि पूरी दुनिया जानती है कि परमेश्वर क्या कुछ करने में सक्षम है। यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। परमेश्वर देखिए, हम यदि नौवीं आयत में पहुंच जाएं तो वहां पर लिखा हुआ है, वह सदा वाद विवाद करता न रहेगा। और इसे उर्दू में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह सदा झिड़कता नहीं रहेगा, अर्थात हमें जो डांटता है और हमें बार बार कहता है कि ये ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना था, ये ऐसे नहीं करना था, बार बार जो हमें निर्देश देता है, वो सदा हमें ऐसे ही दिशा निर्देश नहीं देता रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए बढ़ता रहेगा। और परमेश्वर का क्रोध है वो सदा के लिए भी नहीं बढ़ता रहेगा, परमेश्वर अपने क्रोध को ठंडा करेगा। और दसवीं आयत बताती है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। परमेश्वर ने जैसे हम पाप करते हैं वैसा व्यवहार बिल्कुल भी हमारे साथ नहीं किया, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। और जैसे जिस प्रकार के बुरे काम किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बदला नहीं दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरों के ऊपर प्रबल है।
उदाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। पूर्व से पश्चिम है जितनी दूर है उतनी ही दूर उसने हमारे पापों को हमसे हटाकर हमसे दूर कर दिया है। और 13वीं आयत में लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे यहोवा अपने डरों पर दया करता है। पिता है, एक पिता है, वो सब जानता है कि उसका बेटा बार 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 गलती करता है, लेकिन बार बार अपने बेटे को माफ करता है। ऐसा तो नहीं होता है कि कोई पिता है अपने बच्चे से नाराज रहकर उसके उसको हर गलती पर उसके घर से ही निकाल दे, तू निकल जा हमारी दुनिया से, दोबारा दिखाई मत देना, बल्कि उसको माफ करना ही पड़ता है क्योंकि उसका बेटा है। और 14वीं आयत कहती है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता, परमेश्वर जानता है कि हमारी सृष्टि अर्थात पाप करने का हमारा स्वभाव ही है, और हम बार बार कितना भी समझा ले गलती करेंगे करेंगे, परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है, और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा और ये पाप करेगा गलती करेगा, लेकिन हमें पूरी सावधानी के साथ परमेश्वर के साथ चलना है। और 15वीं और 16वीं आयत कहती है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फलता फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकती और न अपने स्थान में फिर मिलता है, परंतु यहोवा ही करना उसके डरों पर युग युग, और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर प्रकट होता है। तो यहाँ पर लिखा है मनुष्य की आयु तो घास के समान होती है, वो सुबह तो है वो बड़ा ताजगी वाला दिखाई देता है, लेकिन शाम को वो झुलस जाता है या उसको काट दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर है वो सदा काल का परमेश्वर है, और उसकी जो करुणा है, उसकी जो आशा है, उसकी जो दया है, वो हमारे जीवनों के साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी लगातार बनी रहती है। 18वीं आयत कहती है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को परमेश्वर के आशीष से मिलती है, दया का लाभ मिलता है, जो कि उसकी वाचा का पालन अर्थात उसकी आज्ञा उन पर चलते हैं, उसके उपदेशों को समण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थापित किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। परमेश्वर है उस स्वर्ग पर से पूरी सृष्टि पर है, अपना कंट्रोल रखता है और स्वर्ग में परमेश्वर निवास करता है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। और यहाँ पर हमारे मन को परमेश्वर को धन्य कहने के साथ साथ स्वर्गदूतों को भी कहा गया कि तुम बड़े वीर हो, तुम भी परमेश्वर को धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, ओ हे उसके टहलुओ जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। परमेश्वर की जो सेना के जो सिपाही है उनसे भी कहा गया है, सेना के अधिकारियों से कहा गया है, आसपास परमेश्वर की सेवा करने वालों से भी कहा गया है कि तुम भी उसको धन्य कहो। और अंतिम लाइन में लिखा हुआ है, हे यहोवा की सारी सृष्टि उसके राज्य के सब स्थानों में उसके धन्य कहो। सारी सृष्टि जो कि यहोवा ने रची है, जिसमें कि सारे जीव जंतु आते हैं, सब स्थानों में जहां जहां पर हो वहीं से परमेश्वर को धन्य कहो। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। और अंत में अपने मन से फिर कहा गया है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आप भी अपने मन से कहिए कि वो यहोवा को धन्य कहिए, आपके होठों से धन्यवाद निकले, ताकि आपके धन्यवाद को सुनकर परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेसिंग दे, आपकी लाइफ में चेंजेस देखने को मिले, और आपको देखकर दुनिया के और लोग भी अच्छा जीवन यापन करने लगे। आज के इन वचनों की तरह हम सबको आशीष में बरकत दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।